Hello friends and students, today in this video we will learn about the chapter 5 of unit 3 of 9th class. In this chapter we will study about editing a document. Okay, this is the part first of this chapter. Okay, we will divide this chapter into three parts and this is the part 1. In this part 1 we will study about undo, redo, selecting the text, cut, copy, paste and moving text. Okay, these things we will learn in this video. So let's start our video. So in the last chapter, in chapter 4, we learned about how to create a document, how to save it, how to open it. So in this video I have already opened a document. ओके एक वर्ड की फाइल मैंने ओपन कर रखी है और चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता ही है हमारे चैप्टर का नाम है एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एक डॉक्यूमेंट को एडिट करना क्या होता है, मतलब एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट से मतलब क्या है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख के रखी है आप लोगों की हेल्प के लिए. और इससे पहले अगर आप हम स्क्रीन को MS Word में जैसे स्क्रीन ओपन है तो हम लास्ट वीडियो में स्टेटस बार में यहाँ पे देखे थे जूम इन जूम आउट के ऑप्शन होते हैं. तो यहाँ से मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ. अब जो स्क्रीन पर जो भी चीज़ होगी, टेक्स्ट होगा, वो आपको कंटेंट थोड़ा ज़्यादा क्लियर नजर आएगा. ठीक है, तो एडिटिंग का मतलब क्या होता है? टू मेक सम चेंजेस इन द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट. आपके डॉक्यूमेंट का जो भी कंटेंट है उसमें कोई भी चेंज करना क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है. हमने कोई भी काम कर रखा है, उस काम में जो भी कंटेंट है उस कंटेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज करना वो क्या कहलाता है? एडिटिंग. एक्चुअल में एडिटिंग के अंदर जो जो कमांड्स इंक्लूड होती हैं, जो जो शामिल होती हैं, वो हैं सेलेक्टिंग, मतलब टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, इंसर्ट करना, किसी भी टेक्स्ट को कहीं पर इंसर्ट करना है, एक्स्ट्रा टेक्स्ट हमें लिखना है, डिलीट करना है किसी टेक्स्ट को, कॉपी करना है, मूव कराना है, फाइंड करना है. टेक्स्ट हमने मान लो बहुत कुछ लिखा हुआ है उसको फाइंड करना है, रिप्लेस करना है किसी टेक्स्ट को, या हाँ, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सारी कमांड्स एडिटिंग के अंदर ही आती हैं. ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन. तो एडिटिंग की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आपको ये लिखना होता है. अब हम ये सारी चीज़ें एक एक करके सीखेंगे. तो एडिटिंग तो पता लग गया आपको. अब सबसे पहले हम एक चीज सीखते हैं, सेलेक्ट करना. एडिट करने के लिए हमने जैसे यहाँ पे लिखा भी है, हमको जब कोई भी चीज़ डिलीट करनी होती है, कट कॉपी पेस्ट कुछ भी करना होता है, तो सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है. और अभी जैसे फिलहाल हमने यहाँ पर थोड़ा सा ही काम कर रखा है इस डॉक्यूमेंट में, मुझे ये सारा डिलीट करना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले सारा वर्क क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा. अब सेलेक्ट करने का तरीका होता है कंट्रोल प्लस ए, एक शॉर्टकट की होती है. तो मैंने अपने कीबोर्ड में जब भी हम बोलते हैं किसी शॉर्टकट की, जैसे मैंने बोला कंट्रोल प्लस ए, तो अब कंट्रोल प्लस ए को हम कैसे यूज करेंगे? हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को मैं प्रेस रखूंगा, उसे छोड़ना नहीं है, कंट्रोल बटन को प्रेस रखना है. और ए प्लस ए बोला है मैंने, कंट्रोल प्लस ए, प्लस को नहीं दबाना है, प्लस बस वैसे बताया जाता है बीच में दो कीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए. यानी कि इसका मतलब कंट्रोल और ए की को हमें एक साथ प्रेस करना, बट करेंगे कैसे? पहले कंट्रोल की को प्रेस रखेंगे और ए वाली की जो है जिसपे ए लिखा हुआ है उस की को एक बार प्रेस करके उसी वक्त छोड़ देंगे. ज्यादा देर प्रेस नहीं रखना आपने, उसको प्रेस करना है और उसी वक्त छोड़ देना है, बट कंट्रोल की को नहीं छोड़ना है. जब ए को आप छोड़ दो उसके बाद आप कंट्रोल की को भी रिलीज कर सकते हैं, यानी उसे छोड़ सकते हैं. ठीक है, सो हाउ टू यूज कंट्रोल प्लस ए, कीप प्रेसिंग द कंट्रोल की एंड प्रेस द ए की एंड रिलीज इट. तो ये कंट्रोल प्लस ए, और जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे ये सारा टेक्स्ट जो पूरा डॉक्यूमेंट जितना भी है वो क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद आपके कीबोर्ड में एक डिलीट की होती है, कुछ कीबोर्ड में सिर्फ हाफ लिखा होता है, DEL. ओके, तो वो डिलीट की ही शॉर्टकट वर्जन होता है डिलीट का. तो बात है कि डेल लिखा हो या डिलीट पूरा लिखा हो, आप उस डिलीट की को प्रेस करेंगे तो जो भी सिलेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा. ठीक है, जैसे मैंने अभी प्रेस किया तो वो डिलीट हो गया. अब जब आप ओपन करेंगे आपका डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे आएगा. तो हमको एडिटिंग करने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा? कुछ लिखा होना चाहिए हमारे पास टेक्स्ट. वो टेक्स्ट लिखने के लिए
एक फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है एमएस वर्ड में कुछ भी। अब हम यहाँ पर कुछ टाइप करना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उस टाइम को बचाने के लिए हमें रैंडमली कुछ भी लिखना है बस, ठीक है। तो उसके लिए एक तरीका होता है इक्वल टू, सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन लगाओ कीबोर्ड में होता है, प्रेस करो उसको, फिर लिखो रैंड, RAND, रैंड स्टैंड्स फॉर रैंडम, रैंडम की शॉर्ट फॉर्म है। फिर आपको ये पैरेंथेसिस जो है वो स्टार्ट करनी है, जो ये छोटी ब्रैकेट जिसको आप बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में या कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस स्टार्ट करनी है और इसके अंदर आप कोई भी एक नंबर लिख सकते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 और ब्रैकेट क्लोज की और एंटर बटन दबाया, आप देखना होता क्या है, तो क्या हुआ, एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूं और फिर से लिखता हूं इक्वल टू रेंड, अब की बार मैंने 2 लिखा है, एंटर बटन दबाया तो 2 पैराग्राफ लिखे आ गए, ठीक है। फिर से मैं डिलीट कर देता हूं इक्वल टू रेंड एंड 3 और एंटर, तो 3 पैराग्राफ लिखे आ गए। तो इससे आपको समझ में आ गया कि बीच में आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जितना नंबर आप लिखोगे उतने पैराग्राफ रैंडमली लिखे हुए आ जाएंगे बहुत फास्ट, ओके। तो अब मैं थोड़ा सा ज्यादा काम मुझे करना है इसलिए मैं इसको डिलीट करके लिख देता हूं इक्वल टू रेंड 50। तो मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो यहां पर आप स्टेटस बार में नीचे देखेंगे पेज 6 ऑफ 6, टोटल 6 पेज बन चुके हैं, ये ऊपर आ गए हैं। पेजेस में ऊपर नीचे जाने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होते हैं इसको आप ऊपर नीचे ऐसे भी कर सकते हैं, माउस का जो आप व्हील होता है माउस के अंदर, उस व्हील को भी आप पॉइंटर को इस पे रखें और व्हील को ऊपर नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो पेज ऊपर नीचे स्क्रॉल हो जाएगा, ठीक है। या एक तरीका और भी होता है, जैसे अभी जब हम गए थे, हम यहाँ इस पैराग्राफ के सॉरी जहां भी डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ गए थे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कभी भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जाना है, यहां से तो आप जा ही सकते हैं स्क्रॉल करके, बट ये फास्ट तरीका नहीं है। फास्ट तरीका क्या है, याद रखना इसको, कंट्रोल प्लस होम, होम की आपके कीबोर्ड में होती है, कंट्रोल को दबाए रखना है, होम को एक बार प्रेस करके छोड़ना है, तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली चाहे कहीं भी हो वो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाएगा, ओके। तो यहां पर ये आ गया है, ओके। अब हमें क्या करना है, अगर एंड में जाना है किसी डॉक्यूमेंट के, तो कंट्रोल प्लस एंड, ई एन डी एंड की होती है, कंट्रोल प्लस एंड करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट के लास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस होम से बिल्कुल स्टार्टिंग में, कंट्रोल प्लस एंड से बिल्कुल लास्ट में, डॉक्यूमेंट के लास्ट में, ठीक है। तो उसके बाद हम दो चीज सीखेंगे अभी, अंडू एंड रीडू। अंडू क्या होता है, अंडू का मतलब है जब हम काम कर रहे हो, काम करते हुए आपसे कोई भी गलती हो गई, मतलब कोई भी आपने काम किया मिस्टेक हो गई, आपको लगा कि ये काम नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंडू करेंगे। तो जब भी आपको लगे कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे मैंने सपोज करो इस वैन को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, बट अब मुझे लगा कि ये तो गलत हो गया, तो मैं क्या करूंगा, अंडू। अंडू कहाँ होता है, यहाँ ऊपर हमने जब कंपोनेंट्स पढ़े थे यहाँ पर, ये क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें एक अंडू का बटन है, इस अंडू बटन पर मैं क्लिक करूंगा तो जो भी आपने लास्ट काम किया था, वो ऐसा नहीं कि आपने डिलीट किया था वो वापस आ जाए, जो भी आपने लास्ट काम किया था वो अनडन हो जाएगा, मतलब कि आपने जैसे वो काम किया ही ना हो, ओके। और उसके बाद इसके साथ ही एक रीडू बटन भी है। रीडू बटन किस लिए होता है, अगर आपने जो अंडू किया आपको लगा कि अंडू नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तो ये उस अंडू जो आपने किया है उसको वापस से उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा, अंडू के इफेक्ट को, ठीक है। तो जैसे मैं अगर इसको रीडू करूं तो अंडू से मैंने क्या कहा था, इस जो टेक्स्ट को डिलीट कर देते वो वापस लाया था, तो रीडू उसको फिर से डिलीट कर देगा, ठीक है। लेकिन रीडू का एक यूज और भी होता है, आपने जो भी लास्ट वर्ड टाइप किया है, अगर आपने अंडू किया तो ये अंडू की भी वर्क को वापस ले आएगा, ठीक है, या आपने जो भी अंडन मतलब अंडू किया है, अंडू के इफेक्ट को खत्म कर देगा, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। और या फिर अगर आपने अंडू नहीं किया, आपने कुछ टेक्स्ट कोई जो टेक्स्ट है वो टाइप किया है, तो उसे भी दोबारा टाइप करता है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं आई लव माय इंडिया, ओके, तो मैंने ये लिखा है। अब अगर मैं स्पेस देता हूं
और मैं अंडू बटन पर क्लिक करता हूँ, ये अंडू पे क्लिक किया तो इसने फिर से आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, मैं जितनी बार कर रहा हूँ ये बार बार उसी चीज़ को रिपीट करता जाएगा। तो अंडू ये भी कहता है, अगर मैंने आपने अंडू यूज़ नहीं किया तो रीडू, सॉरी रीडू क्या करेगा, जो लास्ट वर्ड आपने टाइप किया था उसको दोबारा टाइप करेगा। ठीक है, तो ये अंडू और रीडू इनकी शॉर्टकट की भी होती है, इसकी होती है कंट्रोल प्लस जेड और इसकी कंट्रोल प्लस वाई। आपको कोई भी कमांड, हम इसमें बहुत सारी कमांड सीखेंगे, जिसकी भी शॉर्टकट आपको देखनी है उस पर आप माउस को अगर आप थोड़ी देर प्रेस रखेंगे तो नीचे देखो जैसे वो दिखा रहा है इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड, वो लिखी हुई आ गई है वहां पे, ऐसे ही इसकी क्या है कंट्रोल प्लस वाई। ओके, तो आप ये शॉर्टकट की भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। आपने प्रैक्टिस करनी है शॉर्टकट कीज की ही, हर काम की शॉर्टकट की याद रखो, उससे काम फास्ट होता है। ठीक है, हाँ बट ये तो थोड़ा याद नहीं रहती तो हम यहाँ पे देख के या यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, बट कोशिश करो कि आपको वो याद हो जाए और आप शॉर्टकट की से हर काम को करो। ठीक है, तो ये था हमारा अंडू एंड रीडू। उसके बाद है सेलेक्टिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेलेक्ट करना अलग अलग तरीके से, बट सेलेक्ट टेक्स्ट करने से पहले हम कुछ और चीज सीखेंगे। हमारा हमने पहले सीखा था फोर्थ चैप्टर में, एक जो ये वर्टिकल लाइन है जो बार बार ब्लिंक करती रहती है यहां पर जैसे पिक्चर्स के बाद जो है, इसको हम क्या बोलते हैं कर्सर। ठीक है, और एक ये माउस पॉइंटर को, जब मैं माउस को जब हिलाता हूं तो एक पॉइंटर है जो स्क्रीन पर जो आई शेप का बना हुआ है अभी फिलहाल। ठीक है, आपको येलो कलर के सिंबल के अंदर वो दिखाई दे रहा होगा, येलो सर्कल के अंदर दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो इसको क्या बोलते हैं माउस पॉइंटर, ये माउस पॉइंटर है और ये यहां पर जो है ये क्या है कर्सर। ओके, आपका कर्सर जहां भी होता है, कर्सर को मूव कराने के लिए हमारे पास एरो कीज होती हैं। कीबोर्ड के अंदर चार एरो के साइन होते हैं। ठीक है, एक एरो का फेस लेफ्ट की तरफ होता है, एक का राइट की तरफ, एक का अप यानी टॉप की तरफ और एक बॉटम, तो अप और डाउन। ठीक है, तो चार एरो होते हैं, इन एरो का यूज कर, जैसे आप डाउन करोगे तो ये जो कर्सर है वो डाउन साइड जाता जाएगा, अप करोगे तो अप साइड आता जाएगा, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट साइड में एक कैरेक्टर लेफ्ट साइड में, और राइट वाला दबाओगे तो राइट साइड में कर्सर आता जाएगा। ठीक है, तो यहां इससे हम कर्सर को मूव करा सकते हैं। अब अगर जैसे मैं अभी यहां पर टेबल्स के बीच में, यहां पर आप देख सकते हैं मेरा कर्सर कहां है, टेबल्स में बी के बाद, बी और एल के बीच में है। अगर आपको इस वर्ड के बिल्कुल स्टार्टिंग में आना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बटन को प्रेस रखूंगा और लेफ्ट बटन, लेफ्ट एरो को एक बार प्रेस करूंगा, यानी कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, जैसे ही मैं दबाऊंगा एक ही बार में आप उस जो भी वर्ड हो आप उस वर्ड के स्टार्टिंग में आ जाओगे, आपका कर्सर जिस भी वर्ड पर है। ठीक है, और अगर कंट्रोल प्लस राइट एरो करोगे तो उस वर्ड के एंड में चले जाओगे। ओके, अगर आपका कर्सर कहीं भी है, अब मैं कंट्रोल प्लस अप एरो दबाता हूं, अपने ध्यान से देखना, कंट्रोल प्लस अप, तो क्या हुआ, जिस पैराग्राफ में आप हैं उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में चले जाते हैं। ठीक है, और कहीं भी मैंने कर्सर फिर से यहां रख लिया, अब मैं कंट्रोल प्लस डाउन एरो करता हूं तो क्या होता है, आपका कर्सर जो होता है नेक्स्ट पैराग्राफ के स्टार्टिंग में चला जाता है। अगर कंट्रोल प्लस अप से क्या होता है, सेम पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ में कर्सर है उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में चला जाएगा, और कंट्रोल प्लस डाउन से नेक्स्ट पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है एक होम की, सिर्फ होम की अभी हमने दबाई थी, पहले तो कंट्रोल प्लस होम से तो क्या होता है डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाओगे, बट अगर सिर्फ होम की को हम दबाएं तो क्या होता है, मैंने होम की को प्रेस किया तो आप किसी भी लाइन के, जिस लाइन में हो उस लाइन के स्टार्टिंग में आ जाओगे, और एंड की, एंड की से क्या होता है, जिस लाइन में आप हो उस लाइन के एंड में कर्सर चला जाएगा, जैसे अभी चला गया होम से स्टार्टिंग में, एंड से लास्ट में, होम से स्टार्टिंग एंड से लास्ट। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन कीज को प्रेस करोगे तो किसी भी लाइन के स्टार्टिंग या एंड में जा सकते हो, और मैंने डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग या एंड में आना तो आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे सेलेक्ट करना। ओके, अब सेलेक्ट करने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो माउस से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले आओ हम सीखते हैं माउस से सेलेक्ट करना। माउस से अगर आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है तो सबसे एक तो आसान तरीका तो क्या होता है कि जहां सपोज करो आपको यहां इस गैलरी से लेके, यहां पर जो गैलरी लिखा है यहां से लेकर, और ये जो पिक्चर्स लिखा है थर्ड लाइन में, यहां तक सिलेक्ट करना है ये टेक्स्ट, तो क्या करेंगे, इसके स्टार्टिंग में माउस को लाओ, यहां पे माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और उसे रिलीज नहीं करना, यानी कीप द लेफ्ट बटन प्रेस्ड। ओके, और फिर माउस को मूव कराना है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग करना। तो माउस को ड्रैग करते हो वहां तक ले जाओ जब तक कि ये पिक्चर का टेक्स्ट
सेलेक्ट ना हो जाए, जब इसके एंड में आ जाओ तब आपने लेफ्ट बटन को रिलीज कर देना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग कराना, मतलब कहीं भी माउस पॉइंटर को कहीं ले जाना किसी भी चीज पर, और फिर लेफ्ट बटन को प्रेस कर लेना, और प्रेस किए किए राइट बटन को, सॉरी माउस को मूव कराना, और फिर कहीं दूसरी लोकेशन पर जाकर उस लेफ्ट बटन को रिलीज कर देना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग करना। ठीक है, तो आप सिंपली ड्रैग करके किसी भी टेक्स्ट को कहीं तक भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे, जब तक आप लेफ्ट बटन को नहीं छोड़ोगे सिलेक्ट होता रहेगा, कम ज्यादा जितना भी करना है होता रहेगा। जैसे ही आप लेफ्ट बटन को प्रेस कर दोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। एक बार सिलेक्ट होने के बाद अगर आप दोबारा कहीं भी क्लिक कर देते हो तो जो भी सिलेक्ट है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा, बाहर क्लिक करते ही वो क्या हो जाएगा, अनसिलेक्ट। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको कहीं और क्लिक नहीं करना अगर आप उसे सिलेक्ट रखना चाहते हो तो। ठीक है, ये तो हो गया माउस से। तो एक वर्ड सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हो, धीरे धीरे करके, जैसे यहां से स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये तो सिलेक्ट हो गया। यानी इससे आप कोई भी चीज, कितनी भी चीज सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, बट इसके अलावा कुछ शॉर्टकट तरीके भी होते हैं। कई बार आपको सिर्फ एक वर्ड सिलेक्ट करना है, जैसे ये टेबल वर्ड है ये सिलेक्ट करना है, तो ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे अभी बताया, जैसे मैंने यहां से किया, लेफ्ट बटन को प्रेस किया, धीरे धीरे आगे चलाया और टेबल तक जब पहुंच गया तो छोड़ दिया। बट इसमें क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है। एक शॉर्टकट तरीका है, जो भी वर्ड आपको सिलेक्ट करना है उस पर सिंपली डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक का मतलब है लेफ्ट वाले बटन को जल्दी जल्दी दो बार प्रेस करना है उस बटन के। जैसे ये सिलेक्टेड टेक्स्ट है, मैंने इस पे लाया माउस और दो बार मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, दो बार आपने आवाज सुनी होगी क्लिक की। ठीक है, तो डबल क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। ऐसे डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक किया, इंडिया पे किया, ठीक है, इंडिया पे किया, कोऑर्डिनेट पे किया, तो जिस भी वर्ड पे आप डबल क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपको कोई भी पैराग्राफ, ये तो वर्ड था, अगर आपको कोई पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, उस किसी भी पैराग्राफ, जैसे ये पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो इस पैराग्राफ में किसी भी वर्ड पर ट्रिपल क्लिक करना है, 3 बार, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, बट जल्दी जल्दी होना चाहिए। अगर आप गैप ज्यादा लेंगे, से 1 2 3, अभी तो फिर भी मैंने क्या, 1 2 3, ऐसे ज्यादा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया तो फिर नहीं होगा। ठीक है, एक टाइम लिमिट है, उसके अंदर अंदर आपको करना होता है तो वो हो जाएगा। 3 बार क्लिक करोगे तो कोई भी पैराग्राफ आपको सिलेक्ट करना है, 3 बार ट्रिपल क्लिक करने से वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो एरिया होता है ना, इसके इस साइड वाला एरिया, इसको हम सिलेक्टिंग एरिया भी बोलते हैं, सिलेक्ट करने के लिए। यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे, अगर आपको कोई पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है, एक लाइन, तो आप उस लाइन के स्टार्टिंग में आएंगे, यहाँ जो एरिया होता है, इस जहां पे कंटेंट लिखा है उससे पहले जो खाली वाइट एरिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे माउस पॉइंटर भी चेंज होता है। जैसे देखो, मैं इस लाइन के इधर गया, जैसे जैसे मैं अब डी से बाहर आऊंगा तो ये माउस पॉइंटर चेंज हो गया, ऐसे बदल गया। ठीक है, जब ऐसा पॉइंटर हो जाए तो आप एक बार सिंगल क्लिक करना है, बस सिंगल क्लिक, आप जिस भी लाइन के सामने करेंगे वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी भी पैराग्राफ के सामने, जैसे ये पूरा पैराग्राफ, इसके सामने डबल क्लिक करते हैं तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर बीच में कर रहे हैं तो ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा, अगर यहां पे करते हैं तो डबल क्लिक करने से पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर इसी एरिया में आप कहीं भी 3 बार क्लिक कर दें तो क्या होगा, 1 2 3, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट नीचे तक देखिए सारा कुछ सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ट्रिपल क्लिक करेंगे तो हमारा सारा ही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा एक तरीका और भी होता है। जैसे मान लो आपको यू से लेकर यहां हेडर्स, चलो ये पिक्चर्स जो लिखा है इस लाइन में, यहां यू से लेकर इस पिक्चर तक सारा सिलेक्ट करना है, तो एक तो तरीका बताता है, यहां से करके ऐसे ड्रैग करते हुए माउस को ले जाओ। बट आपको अगर ड्रैग करने में दिक्कत आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार यहां पे क्लिक किया ताकि कर्सर यहां पे आ जाए, जब कर्सर यहां पे आ जाए तो कीबोर्ड में आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेना, और उसे प्रेस ही रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। उसको प्रेस रखते हुए आप जहां भी, जैसे पिक्चर्स के बाद यहां तक करना था, मैं यहां पे क्लिक करता हूं, बस एक क्लिक करते ही वहां जहां पे कर्सर था वहां से लेकर जहां क्लिक करोगे वहां तक का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। कई बार आपको सिलेक्ट करना होता है कुछ ऐसा, जैसे आपको मान लो बीच में से ऐसे ये वर्टिकल सिलेक्शन करना है, यहां से लेकर यहां तक, तो जब आप सिलेक्ट करना ऐसे शुरू करो, यहां तक मान लो आपने सिलेक्ट किया, आप नीचे की तरफ लाओगे तो क्या होगा, जो ऊपर वाली लाइन है इनके बीच वाली पूरी लाइन ही सिलेक्ट होंगी। ठीक है, बट आपको ऐसे नहीं करना, आप सिलेक्ट करना चाहते हो ये ऐसे एक बॉक्स के रूप में, ऐसे सिलेक्ट करना है कुछ। ओके,
तो उसके लिए क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड में ऑल्ट बटन होता है, ALT लिखा होता है, तो उसको जैसे जहां से भी सिलेक्ट करना है वहां पे लाएंगे और ऑल्ट बटन को प्रेस कर लेंगे। अब माउस को मैं मूव कराऊंगा, इधर लाया, अब देखो मैं नीचे ले जाऊंगा तो ध्यान से देखना, मैं जब नीचे ले जा रहा हूँ अल्ट के साथ तो क्या हो रहा है, केवल वर्टिकल सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जहां बीच वाली जो पूरी लाइन सिलेक्ट नहीं हो रही, ओके, तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर वर्टिकल सिलेक्शन में आपको जरूरत है। इसके अलावा आपको कोई भी एक सेंटेंस पूरा सिलेक्ट करना हो, जैसे कहीं भी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको करने के लिए पहले कुछ भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे अभी फिलहाल कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, सिंपल क्लिक करके रखना है। अगर कोई चीज सिलेक्ट होगी तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन को प्रेस रखना है, छोड़ना नहीं है। तो उसके बाद आप किसी भी सेंटेंस के, जो सेंटेंस आपको सिलेक्ट करना है उस सेंटेंस के किसी भी वर्ड पर एक सिंगल क्लिक कर दीजिए, जैसे यहां से ये टू, ये जो सेंटेंस है यहां से शुरू होता है, ठीक है, और ये खत्म कहाँ हो रहा है, ये कमांड पर खत्म हो रहा है, तो टू से लेके इसके बीच में कहीं भी किसी भी वर्ड पर बस एक सिंगल क्लिक कर दीजिए, ये सेंटेंस पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई और देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे आया, मैंने क्लिक किया स्टाइल, सॉरी कंट्रोल बटन को प्रेस रखना है और स्टाइल पर क्लिक किया, तो ये जिस भी सेंटेंस का पार्ट है, ये वर्ड जिस वर्ड पर आप क्लिक करोगे वो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो फास्ट। एक बार शुरू में सीखना मुश्किल है तो डिफिकल्ट लगता है कि याद कैसे रहेगा, बट अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे इन चीजों की तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कीबोर्ड से सिलेक्ट करना, ये तो था माउस से सिलेक्ट करने का तरीका, अब हम सीखते हैं कीबोर्ड से। चलो मैं एक बार कहीं भी कर्सर को रख देता हूँ, जैसे गैलरी के पास मैंने यहाँ पे रख दिया है, अब मैं माउस को नहीं मूव कराऊंगा, केवल कीबोर्ड का यूज करूंगा। तो आपको जहां से भी सिलेक्शन सिलेक्ट करना है पहले कर्सर को आप वहां ले जाओ, सपोज करो आपको ये फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करना है तो फॉर्मेटिंग के पहले ले आया, अब शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेना है, शिफ्ट बटन को नहीं छोड़ना है। उसके बाद आप लेफ्ट या राइट या टॉप या बॉटम किसी भी एरो, जो चार एरो कीज है उनमें से किसी का भी यूज करोगे, जब मैं राइट एरो की दबाता हूँ तो राइट साइड का एक कैरेक्टर सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट बटन को अभी भी मैंने छोड़ा नहीं है, रिलीज नहीं किया, अभी भी प्रेस है, और फिर राइट बटन में फिर से एक बार प्रेस करके छोड़ता हूँ तो एक और कैरेक्टर सेलेक्ट हो गया, फिर से छोड़ता हूँ एक और कैरेक्टर, और लगातार अगर मैं दबाए रखता हूँ तो राइट का सिलेक्ट होता चला जाता है। तो जैसे शिफ्ट को भी दबा रखा है और राइट को भी दबा रखा है, और अगर मैं शिफ्ट को अभी भी नहीं छोड़ा है, मैंने जब से मैंने स्टार्ट किया बताना ये आपको, शिफ्ट बटन को नहीं छोड़ा है, अगर मैं लेफ्ट की साइड में लेफ्ट एरो को दबाता हूँ तो फिर वापस अनसेलेक्ट होना शुरू हो जाता है, और यहां तक होने के बाद आप फिर भी दोबारा लेफ्ट को दबाते रहोगे तो फिर बैक साइड का सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने शिफ्ट बटन को छोड़ दिया है तो ये सिलेक्ट हो गया, अब मैं अगर एरो की को मूव करा देता हूँ तो जो भी सिलेक्ट है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड का भी सिलेक्ट करो, जैसे क्विक को आपको सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन को प्रेस किया, लेफ्ट एरो की को प्रेस करते गए जब तक कि क्विक सिलेक्ट नहीं हो गया, ठीक है। तो आप यानी शिफ्ट प्लस एरो कीज का यूज करके किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता है, कहीं से कहीं तक भी, जैसे आई लव इंडिया यहां से लेके मुझे नीचे तक लाने में नीचे लाता गया, और जिस भी लाइन तक मुझे करना है वहां पे लाकर आगे पीछे थोड़ा बहुत करके जहां तक भी मैं करना चाहता हूं वहां करके छोड़ सकता हूं, फिर शिफ्ट बटन को मैं रिलीज कर दूंगा जब मेरा जो डिजायर टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब एक तरीका है, आप अगर जैसे कोई भी एक वर्ड है, जैसे ओरिजिनल वर्ड है, ठीक है, मुझे इस पूरे वर्ड को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इस वर्ड के स्टार्टिंग में एरो की को ले आऊंगा, उसके बाद अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों की को ही एक साथ प्रेस कर लूं, कंट्रोल की और शिफ्ट की दोनों को प्रेस कर लिया और प्रेस ही रखना है, अब लेफ्ट वाले बटन को मैं एक बार भी अगर प्रेस करता हूं तो क्या होता है, पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा मैं प्रेस करूंगा राइट एरो की को तो एक और वर्ड, तो जितनी बार मैं प्रेस करूंगा एरो की को हर बार एक एक एक्स्ट्रा वर्ड सिलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट साइड का भी वर्ड कर सकते हो आप, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को दबाए रखेंगे लेफ्ट साइड में करेंगे तो लेफ्ट साइड के वर्ड्स सिलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको जहां भी कर्सर है वहां से लेके पैराग्राफ के स्टार्टिंग तक का सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस रखेंगे और अप एरो की अप वाली को एक बार प्रेस करूंगा तो इसके ऊपर तक का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर से मैं एक बार बीच में क्लिक कर लेता हूं, जैसे यहां जहां भी कर्सर है वहां से लेके पैराग्राफ के एंड तक का सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट को दबाए रखेंगे और डाउन एरो की को यूज करेंगे तो
ये नीचे तक का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पूरा पैराग्राफ सॉरी पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करना, तो उसके लिए शॉर्टकट की मैंने आपको पहले ही बताई थी, कंट्रोल प्लस ए दबाओगे तो उससे भी सारा जो डॉक्यूमेंट है वो एक ही बार में सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने बहुत सारे डिफरेंट तरीके सीखे हैं, कीबोर्ड से भी सिलेक्ट करने के कुछ तरीके सीखे हैं, और अच्छा एक लाइन का भी था। जैसे अगर आपको एक लाइन सेलेक्ट करनी हो, कीबोर्ड सिर्फ माउस का यूज नहीं करना, तो क्या करेंगे, पहले आप होम की से को दबा के उस लाइन के स्टार्टिंग में आ जाओ, फिर शिफ्ट की को प्रेस कर लो और एंड की को दबा दो, शिफ्ट को प्रेस रखते हुए एंड की को प्रेस करो, यानी शिफ्ट प्लस एंड की दबाओ, तो वो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, आप किसी भी लाइन में हो, पहले आप एंड में चले जाओ एंड की प्रेस करके, उसके बाद शिफ्ट प्लस होम की को दबाते हुए उस वर्ड लाइन के स्टार्टिंग तक का सेलेक्ट कर सकते हो, या बीच से भी आप कर सकते हो। जैसे यहां से स्टार्टिंग तक का करना है तो यहीं पे शिफ्ट की को दबा लेंगे और होम बटन में प्रेस करूंगा तो वहां से स्टार्टिंग का सेलेक्ट हो जाएगा, या आप कहीं भी हैं यहां से आपको एंड तक का सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा, एंड की प्रेस करूंगा तो वहां तक का सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हमने सीख लिया है, आई होप सेलेक्ट करने में तो कम से कम अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख सकते हैं इनको याद करने के लिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉपी एंड पेस्टिंग द टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट है हमें कॉपी करना है या पेस्ट करना है, तो हमारे पास होम टैब में, यहाँ पर होम टैब है, इस होम टैब में दो ऑप्शन है, कट एक कॉपी, और ये दोनों ही हाईलाइट नहीं है, आप देख रहे हो इन पे कुछ क्लिक करने से कुछ नहीं होता, ये डिसेबल्ड है, ग्रे कलर में हुए पड़े हैं, ठीक है, फीके फीके से हो गए हैं, तो ये डिसेबल्ड है, ये वर्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, एक चीज नोटिस कीजिए, ये कौन से ग्रुप में है, ये क्लिप बोर्ड ग्रुप में है, ओके। और ये क्लिप बोर्ड होता क्या है एक्चुअली, क्यों है क्लिप बोर्ड ग्रुप में, क्लिप बोर्ड हमारी कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होती है, उसको नाम दे रखा है क्लिप बोर्ड, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, ओके। और उस मेमोरी में क्या चीज स्टोर होती है, मेमोरी में कॉमन सी बात है कोई चीज स्टोर होती होगी, बट क्या स्टोर होता है, जिस भी चीज को हम कट या कॉपी करते हैं वो कहाँ चली जाती है, वो क्लिप बोर्ड में चली जाती है। जिस भी चीज को आप चाहे कट करो चाहे कॉपी करो वो कहाँ चली जाएगी, क्लिप बोर्ड में, ओके। और पेस्ट कमांड से क्या होता है, क्लिप बोर्ड में जो भी चीज पड़ी है वो चीज पेस्ट हो जाएगी, कहाँ पे, जहां आपका कर्सर होगा, जैसे आप जहां भी कर्सर है वहां पर वो चीज पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब चलो पहले सेलेक्ट कर कॉपी करने के लिए, अब कट या कॉपी अभी हाईलाइट नहीं है, क्यों हम कट कॉपी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया, जब तक आप कोई सेलेक्ट नहीं करोगे कट और कॉपी यूज नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को ये पता ही नहीं लगता कि हम किस चीज को कट या कॉपी करना चाहते हैं। जब आप किसी चीज को सिलेक्ट, जैसे ये कंट्रोल वर्ड है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो अब जैसे ही सिलेक्ट हुआ तो कट कॉपी दोनों हाईलाइट हो गई, ठीक है। अब मैंने इस कॉपी पर क्लिक किया तो ये कॉपी हो गई, बट नॉर्मली हम कॉपी का मतलब क्या समझते हैं कि इसकी एक और कॉपी बन गई, बट यहाँ पे तो कहीं बनी नहीं, ये तो वैसे का वैसा ही है। एक्चुअली कॉपी का मतलब ये नहीं है कि यहीं पर एक और कॉपी बन जाएगी, कॉपी तो बनी है बट वो कॉपी कहाँ बनी, मैंने अभी बताया था क्लिप बोर्ड में एक मेमोरी है जो दिखती नहीं है हमें, बस टेम्परेरी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, वहां पर चली गई है इसकी कॉपी, यानी क्लिप बोर्ड में चली गई है। और अब कहीं भी आप कर्सर प्लेस करो, जैसे चूज और न्यू के बीच में आपने यहाँ पे कर्सर को प्लेस कर दिया है, रख दिया है, क्लिक कर दिया, अब पेस्ट पर मैं क्लिक करूंगा तो जो कंट्रोल वर्ड है वो यहाँ पर आ गया है। इवन तो आप बीच में कुछ और भी काम कर लो, यहाँ पर मैं आया मैंने कुछ और भी काम कर लिया, फिर से मैं कर्सर को कहीं रखता हूँ और पेस्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर फिर से कंट्रोल वर्ड पेस्ट हो गया। तो आप कितनी बार भी, जब तक कि क्लिप बोर्ड में वो कंट्रोल जो आप हमने जो कॉपी किया था ये वर्ड वहां पे, आप कितनी बार भी पेस्ट कर लो इसको, कहीं कहीं भी जाके या एक ही जगह पे भी बार बार कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ तो ये कंट्रोल बार बार पेस्ट होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही अब मैंने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और कट कर दिया, तो कट करने से क्या होता है, वो चीज यहां से डिलीट हो जाएगी, बट यहां से तो डिलीट हुई बट वो कहां चलेगी, अब क्लिप बोर्ड में चलेगी। अब क्लिप बोर्ड में क्योंकि क्या है, जो यहां से मैंने डिलीट किया था, यानी क्या, डॉक्यूमेंट। अब मैंने यहां पे क्लिक किया और पेस्ट कर दिया तो ये डॉक्यूमेंट यहां पे आ गया। इसको भी आप जितनी बार मर्जी पेस्ट कर सकते, कोई काम कर भी सकते, आपने कुछ भी काम कर लिया और कुछ कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने से कुछ नहीं होता, जब तक कट या कॉपी नहीं करेंगे वही चीज रहेगी, यानी डॉक्यूमेंट ही रहेगा। आप कहीं और चले गए, यहाँ पे आए, पेस्ट किया, अब भी क्या आएगा, डॉक्यूमेंट ही पेस्ट होगा, ठीक है। तो कट, कॉपी, पेस्ट और तीनों चीजें आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ गई होंगी, ओके। तो
इस तरीके से हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद अच्छा, कट कॉपी पेस्ट करने के कई तरीके होते हैं। एक तो जैसे मैंने बता दिया, किसी भी वर्ड को आप, जरूरी है एक वर्ड आप ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसको भी कॉपी या कट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कोई वर्ड सिलेक्ट किया, एक तो तरीका बता दिया यहां से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका, इस पर राइट क्लिक करके भी कट कॉपी के ऑप्शन आते हैं, आप यहां से दोनों में से कोई भी चीज यूज करके कॉपी करोगे, देखो कॉपी हो गया है। अब कहीं भी ले जाके आप खाली जगह में राइट क्लिक करोगे वहां पर, एक मिनट आया नहीं है, दोबारा से करते हैं राइट क्लिक पेस्ट। अच्छा ओके, ये आ गया पेस्ट के ऑप्शन आ गए, ये आ गया पेस्ट, यहां पे क्लिक किया तो वो वर्ड आ गया है, ठीक है। तो ऐसे दोबारा राइट क्लिक किया, ये पेस्ट ऑप्शंस हैं, इस पेस्ट ऑप्शंस के अंदर यहां पर हमने क्लिक किया तो ये पेस्ट हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आप राइट क्लिक करके भी यूज कर सकते हो, दोनों को पहले सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और कट या कॉपी करना है, फिर उसको कहीं पेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका शॉर्टकट की भी होती है, जैसे कॉपी की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस सी, और कट की क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी नहीं होता, कई बार कट की पूछ लेते तो सी, कंट्रोल प्लस सी याद रहता है, सी कॉपी के लिए है, कंट्रोल के लिए एक्स होता है, ठीक है। जैसे सीजर बनी है ना, एक्स शेप किया तो याद रख सकते हो, एक्स का मतलब कट करना, किसी चीज को ऐसे कहते हैं ना, कट कर दिया, लो कट कर दिया, एक्स शेप में हम वो बनाते हैं, ठीक है, क्रॉस जैसे बनाते हैं, तो कंट्रोल प्लस एक्स। तो कट कॉपी पेस्ट के तीनों मेथड क्लियर है। अब है मूव करना, किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। एक्चुअली किसी टेक्स्ट को मूव कराने का मतलब यही होता है कि उसे एक जगह से कट कर देना और किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर देना। जैसे मान लो मैं चाहता हूं ये इस ओवरऑल को यहां से उठाकर यहां लाना है, तो एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, यहां से इसको कट कर दो, ये यहां से उठ गया और जहां भी आपको ले जाना वहां क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, तो ये हो गया, ये ओवरऑल उठ के यहां से यहां आ गया, तो यानी कि मूव हो गया। तो एक्चुअली जो मूव होती है, मूव का मतलब क्या है, मूव कट एंड पेस्ट कमांड का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। वैसे एक तरीका और भी होता है, जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लो, उसके बाद माउस पॉइंटर को इसके ऊपर लाओ, जब ये एरो के साइन में कन्वर्ट हो जाए तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग मैंने बताया था आपको, लेफ्ट बटन को प्रेस करना है, छोड़ना नहीं है, उसको प्रेस रखो, उसके बाद आप देखो पॉइंटर ले जा रहे हो तो जहां भी जा रहे हो तो जहां भी आप छोड़ दोगे, मान लो अभी मैं डॉक्यूमेंट और ओवरऑल के बीच में आ गया हूँ, अब यहाँ पे मैं प्रेस कर देता हूँ तो भी वो वर्ड वहां से उठ के आ जाता है। तो आप ऐसे भी मूव करा सकते हो कि सिंपली ड्रैग किया, किसी वर्ड को सिलेक्ट करो, ड्रैग करा के कहीं ले जाओ, वो भी कर सकते हो, या कट प्लस पेस्ट कमांड का भी यूज कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को मूव कराने के लिए, ठीक है। तो आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा आई थिंक, जितना भी किया है। तो आज के फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, जब तक आपको अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में नहीं आ जाता, ठीक है। तो हम आपको आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।